नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको आपके चैनल लेटेस्ट न्यूज़ में। तो लेटेस्ट न्यूज़ कोई भी अपडेट आता है तो तुरंत सभी छात्रों को प्रोवाइड करता है। तो आज आप सबके लिए फिर से एक लेटेस्ट भरी खबर है। अगर आप रेलवे में भर्ती लेना चाहते हैं, एनसीआर या आरसीआर में भर्ती लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और एक सुनहरा मौका है। आप इसमें आपको मैं बता दूँ, आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके पास 8वीं या 10वीं पास के लिए पास होना चाहिए आपको, और आपको 1664 पदों ये भर्तियां हैं, बिना परीक्षा की होगी भर्ती। लास्ट डेट 1 सितंबर है। तो क्या न्यूज आ रहा है सामने, तो मैं आपको सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि आपका ये कब से आप फॉर्म भर पाएंगे और भर पाएंगे, कौन कौन इसे आवेदन कर सकता है, आपके पास रिक्वायरमेंट क्या क्या होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आज का न्यूज़ है, मात्र 2 घंटे पहले का न्यूज़ है। कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आती है रेलवे की तरफ से तो मैं तुरंत से प्रोवाइड करने लग जाता हूँ। इसीलिए आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में कोई भी वैकेंसी आए तो मैं आप सबको प्रोवाइड करा सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मैं पहले दिखा दूँ यहाँ पर लाइव प्रूफ। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, रेलवे भर्ती 2021 8वीं 10वीं पास के लिए 1664 पदों पर भर्तियां नहीं होगी, लिखित परीक्षा मतलब परीक्षा भी नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे आप न्यू टाइम भी देख सकते हैं, ये टाइम है आज का 28 जुलाई। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकेंड्स में डाउटनेट के साथ करो ने आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक की कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और NEET का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। 8-10 पे ये बना था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये कौन सा न्यूज़ है, क्या है सब कुछ, तो मैं आपको बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं सब कुछ मैं बारीकी से पढ़ के बताऊँगा कि आपको ऑनलाइन कैसे करना, मैं वो भी बताऊँगा। बस आप पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा क्या गया है, यहाँ पे ये साफ साफ बताया गया है कि उत्तर मध्य रेलवे ने ट्रेड अप्रेंटाइस के कुल 1664 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 2 अगस्त, यहाँ पे देख सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया 2 अगस्त 2021 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार उत्तर मध्य रेलवे RRC, यहाँ देख सकते हैं RRC के वेबसाइट पे ऑर्गेनिक पे यहाँ पे देख सकते हैं, पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर, मतलब 1 सितंबर तक आपको आवेदन कर लेना है, नहीं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अप्रेंटाइस के इस भर्ती के लिए कोई परीक्षा न होगी या नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अप्रेंटाइस के इस भर्ती के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी, ये भर्ती 10वीं कक्षा व ITI के मार्क्स के आधार पर होगी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है कि आपको ये ITI के मार्क्स के आधार पे होगी ये परीक्षा, और इन मार्क्स के आधार पर एक मेरिट बनेगी, मतलब एक मेरिट बनाया जाएगा, इसी मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को चयन होगा। जिन पदों के लिए 10वीं पास के लिए योग्यता मांगी गई है, मतलब 10वीं पास के लिए योग्यता मांगी गई है, उनकी मेरिट कम से कम 50% वेटेज 10वीं के मार्क्स से ITI के मार्क्स से दिया जाएगा, मतलब 50% ITI के मार्क्स से लिया जाएगा और 50% आपके 10वीं के मार्क्स से लिया जाएगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जबकि जिन पदों के लिए 8वीं पास की योग्यता मांगी गई है, मतलब जिन पदों के लिए 8वीं पास की मान्यता मांगी गई है, उनमें 8वीं और ITI की औसत अंक लिए जाएंगे, मतलब 8वीं वाले भी इसे आवेदन कर सकते हैं। जो बच्चे 8वीं तक पढ़े रहेंगे, जो छात्र, वो इसे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है, रिक्त पदों पर योग्यता और आवेदन संबंधित जरूरी बातें। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मान्यता प्राप्त संस्थान में बोर्ड से कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा पास हो, और मत से संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट, NCVT की मान्यता प्राप्त होना चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ से NCVT से मान्यता प्राप्त होगा तभी आप इसे आवेदन कर सकेंगे। तो सबका ये रहता ही है, ऐसा कोई इसमें कोई इशूज़ नहीं है। तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि वही वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रॉनिक, वायरमैन और कारपेंटर के लिए 8वीं कक्षा और ITI में ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप इसे आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा है, न्यूनतम आयु 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक कम से कम होनी चाहिए। आपकी आयु गणना 1 सितंबर 2021 से की जाएगी, मतलब गणना 1 सितंबर 2021 से की जाएगी।
और आयु सीमा के ओबीसी वर्ग के लिए 3 वर्ष, यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग के लिए 3 वर्ष, एससी एसटी वर्ग के लिए उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष और दिव्यांगों के 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब इतने वर्ष को आपको छूट दी जाएगी और स्टाइपेंड नियमानुसार दिया जाएगा। मतलब आवेदन फीस आपको 100 रुपये लगेगा, उसी प्रकार से आप इसे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको आवेदन करने में कोई इशूज़ आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको कोई दिक्कत आता है इसमें कोई इशूज़ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। उससे पहले आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वैकेंसीज आएंगी जिससे हर कोई आवेदन कर सकता है, घर बैठे बैठाए एक अच्छी खासी जॉब पा सकता है। तो मैं तुरंत से वही उसी प्रकार के मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तो अलविदा।